नमस्कार, NBCN में आपका स्वागत है। मैं रत्नाकर। खबरों के बीच एक खास खबर के साथ आज हम यहाँ आपके साथ में हैं। शहर में बीते दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे मौसम तो जरूर सुहाना हो गया है और दो दिनों से हो रही बारिश से शहर का जो सुप्रसिद्ध अंबाझरी तालाब है वो भी ओवरफ्लो हो चुका है। इस अंबाझरी ओवरफ्लो की जानकारी कल हमने आप तक पहुंचाई जरूर थी, मगर इसकी न्यूज बनाने जब हम वहां पहुंचे तो वहां का ओवरफ्लो का दृश्य जो था वो बड़ा ही सुहावना लग रहा था और इस दृश्य को देखकर हमारी आंखें भर आई। और इसी के साथ में एक दृश्य जो हमने देखा वो सचमुच दिल दहलाने वाला था। एक तरफ तालाब का ओवरफ्लो था तो दूसरी ओर कुछ युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां मौज मस्ती और मच्छीमारी कर रहे थे। एक और तालाब अपनी सीमा पार कर रहा था तो वही इन लोगों ने भी अपनी सारी सीमाएं पार कर दी थी। महानगर पालिका की ओर से सावधानता की जानकारी भी यहां पर दी जा चुकी है, मगर इन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। तालाब ओवरफ्लो तो जरूर हुआ है, मगर महानगर पालिका और प्रशासन की ओर से कोई तैयारी यहां पर नहीं की गई है। ना ही यहां पर कोई महानगर पालिका कर्मचारी था और ना ही कोई पुलिस कर्मचारी। ऐसे में अगर भविष्य में यहां पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस वक्त ये अहम सवाल सबके सामने है।